हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपके साथ अपनी शक्करपारे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। उसके लिए हमें चाहिए 3 कप मैदा, आधा चम्मच नमक, 1 कप शक्कर, मैंने 1.5 कप लिए, थोड़ी सी ज़्यादा क्योंकि मुझे मीठे शक्करपारे पसंद हैं, और आटा गूंदने के लिए पानी। इन सब सामग्री को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा गूंदेंगे। आटा हाथों में चिपक रहा है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा मैदा ऐड के आटा गूंदेंगे तो हाथों में चिपकेगा नहीं। ये पानी बच गया है, इसे हम अलग रख देते हैं। अब हम गैस ऑन करेंगे और कढ़ाई में घी गरम करेंगे। घी में 1 चुटकी नमक डालेंगे ताकि शक्कर पे आपस में चिपके ना और तली में ना लगे। अब हम आटे की लोई बनाएंगे, रोटी बेलेंगे। लोई हमें थोड़ी बड़ी लेनी है। अब हम रोटी को शक्करपारे के शेप में काटेंगे। आप चाहे जिस शेप में काट सकते हैं, चौकोर या फिर तिकोना। आटा अगर चाकू में चिपके तो आप चाकू में थोड़ा सा मैदा लगाकर भी शक्करपारे काटेंगे तो जल्दी जल्दी कट जाएंगे। ये देखिए हमारे शक्करपारे कट चुके हैं, इधर हमारा घी भी गर्म हो चुका है। अब हम एक एक करके शक्कर पारे डालेंगे। एक बात का विशेष ख्याल रखना है, शक्कर पारों को जल्दी से पलट देना है डालने के बाद, तो वो फूटेंगे नहीं। अगर हम इन्हें देर से पलटेंगे तो ये फूटने लगेंगे। हम इन्हें स्लो गैस पर तलेंगे तो ये अच्छे से चलाएंगे। दोनों साइड हमें पलटना है
और ये आप पर डिपेंड करता है कि आप ज़्यादा डार्क करना चाहते हैं या फिर थोड़े लाइट। मैं इन्हें थोड़ा ज़्यादा डार्क तल रही हूँ। ये देखिए हमारे शक्करपारे अच्छे हो चुके हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारे शक्करपारे रेडी हैं। ये देखिए डार्क और लाइट शक्करपारे। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और हाँ बेल को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू, हैप्पी दिवाली।